Sri Jasmeet Singh Gill. Thank you, Chairman Sir. Chairman Sir, I rise with the mixed feelings. On one hand, I appreciate government's effort where they have increased the punishment, जो इन्होंने सजा बढ़ाई है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और दूसरे लोग हैं. मगर सर एक बात की मेरे को समझ नहीं आई सर. मैं चेयरमैन सर आपके माध्यम से मंत्री जी को, मानयोग्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि व्हाट आई एम गोइंग टू से हेयर इट्स फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. सर एक तरफ तो आपने बड़ा क्लियरली कहा है कि सिर्फ 6% लोग हैं जिनके पास 3 वेपन्स हैं. सर पंजाब में जब मिलिटेंसी का पीरियड था 1%. सर पंजाब में जब मिलिटेंसी का टाइम था सर, मेरे ऊपर अपने अटैक हुआ, मेरे गोली लगी सर. उसके बाद 3 साल के बाद दोबारा अटैक हुआ, 8 मेरे सिक्योरिटी गार्ड मार दिए गए सर. उसके बाद जिसको भी पीएसओ मेरे साथ लगाते थे बहाना बना के छुट्टी ले जाता था थी, इसने तो मरना ही है, हम क्यों साथ मरे. ये सच्ची बात है सर. और सर उसके बाद हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार अपने लाइसेंस्ड वेपन लेके साथ चलते थे. ऐसे हमने टाइम निकाला सर. हमने सर विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई पंजाब में, जिन्होंने मिलिटेंसी के टाइम पे मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई लड़ी सर. और उनमें से सर 7 लोगों को शौर्य चक्र मिला, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी अपने लाइसेंस्ड वेपन के साथ. आज हम इसे 3 से 2 कर रहे हैं सर. इसका लॉजिक मेरे समझ से बाहर है सर. सर आर्म्स लाइसेंस जो मिलता है सर, उसकी वेरिफिकेशन पासपोर्ट से ज्यादा होती है. यू गो थ्रू ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, आपके वो कई रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस की आती है, पुलिस की आती है सर. मगर उसकी पासपोर्ट की अगर वैलिडिटी 10 साल है तो इसकी लाइसेंस की भी 10 साल कर दीजिए. इट विल सेव टाइम, इट करप्शन नहीं होगी लोगों, इट विल हैसल फ्री फॉर द कॉमन मैन. सर दूसरा जो सबसे, आज जब हम वेपन्स की डिमांड कम होगी उसमें कमी आएगी सर, जॉब कट्स होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कट होंगे. सर अभी 2 मिनट और दीजिए सर. इट इज फ्रॉम माई, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर. मैंने कुछ नहीं कहना सर, मैंने काम के 2 सजेशन दिए. बाकी टाइम इज ऑलरेडी ओवर, प्लीज वाइंड अप इन 1 मिनट. और सर चलो इसको भी छोड़ दो सर, मैं आगे आ जाता हूं. क्योंकि सर एक बात और है सर, जो प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर 2 तरह के वेपन्स के लाइसेंस होते हैं सर. प्रोहिबिटेड बोर की जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट होता है, जिनको असली में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, माओस या टेररिस्ट के निशाने पे होते हैं, उनको दिया जाता है और होम सेक्रेटरी वो लाइसेंस सैंक्शन करता है सर. सर कृपा करके उसका जो रिन्यूअल है वो भी होम सेक्रेटरी स्टेट के पास आता है सर. उसकी रिन्यूअल कम से कम डीएम के पास करवा दें, क्योंकि उनको फिर उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है सर, कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है. इसको भी काइंडली लाइसेंस इशू होम सेक्रेटरी कर दें, रिन्यू इसको डीएमई कर दे सर. ये जरूर प्रोविजन इसमें अपने और इसमें कीजिए सर. सर एक जो वेपन्स है सर, इसकी इंपोर्ट अलाउ कर देनी चाहिए सर. 500% ड्यूटी लगाओ, लोगों को अच्छा वेपन मिले और सर 500 और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले सर. जो राजवर्धन राठौर जी ने 2 बातें की है, एक तो वो जो नए हमारे एस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन है उनको जरूर आप कुछ ना कुछ राय दीजिए, और जो पुलिस रेंजेस है फायरिंग की उनको जरूर एक बार खुलवा दीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार ही हो. थैंक यू, धन्यवाद.